पिछले वीडियो तक हम लोगों ने देखा था कि इल्तुतमिश की मौत हो चुकी थी। इल्तुतमिश की मौत होने के पीछे ऐबक, मतलब ऐबक उसके पहले ऐबक मर चुका था, ऐबक के बाद इल्तुतमिश राजा बनता। हालांकि कुछ समय के लिए उसका बेटा भी आता था, लेकिन उसको नहीं काउंट करते हैं। ऐबक के बाद इल्तुतमिश मरा। इल्तुतमिश मरा 1236 में। जब मरा तो उसका एक बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, वो आके गद्दी पे बैठ गया। लेकिन वो नालायक था, अयोग्य था, उसके उसको किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो उसकी जो बेटी थी, रजिया नाम था, रजिया ज़्यादा योग्य थी, उसे शासन के बारे में अच्छे से जानकारी भी थी और वो हर चीज़ को अच्छे से जानती थी। और इल्तुतमिश का जो बेटा था रुकनुद्दीन, वो नालायक था, उसको कोई जानकारी नहीं थी। तो रजिया ने, अब आपको याद होगा कि इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक गठन बनाया था, 40 तुर्क सरदारों का एक गठन बनाया था, उसका नाम रखा था तुर्कान चिहलगानी। उसी के तहत वो शासन कर रहा था पूरे दिल्ली क्षेत्र में। जब इल्तुतमिश की मौत होती है तो अगर ये सदस्य जिसके साथ खड़े हो जाते हैं वो गद्दी पे बैठ जाता। इनको मिलाने में रुकनुद्दीन फिरोज असफल रहा, फेल रहा, वो इनको मिला नहीं पाया। तो इनको मिलाता कौन है? इनको मिला लेती है रजिया अपनी तरफ। रजिया इनसे सहयोग मांगती है कि मुझे दिल्ली की गद्दी पर बैठाएं, आप लोग जैसा बोलेंगे वैसे करूंगी मैं। तो इनके सहयोग से रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। दिल्ली की गद्दी पर बैठती है, जनता का सहयोग भी चाहिए होता, तो जनता के सहयोग से और इन लोगों के सहयोग से रजिया दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेती है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। 1236 में इल्तुतमिश के मौत के बाद उसका बेटा कुछ समय के लिए, इल्तुतमिश का बेटा कुछ समय के लिए बना था, उसको हटाकर रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। तो 1236 में जब वो गद्दी पर बैठती है तो उस टाइम उसने इन 40 तुर्क सरदारों को मिलाया था, बोली थी जो आप बोलोगे वैसे मैं काम करूंगी। मिला लिया कोई बात नहीं, लेकिन रजिया जैसे ही सुल्तान बनी कुछ दिनों बाद इनकी बात मानना मना कर दी। तो ये विद्रोह में आ गई। एक तो महिला है, ऊपर से हम पे शासन कर रही है और ऊपर से हमारी बात नहीं मान रही है, तो ये बुरा लग रहा था इन लोगों को। तो ये लोग धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो 40 तुर्क सरदार दिल्ली के कई क्षेत्रों में, बड़े सरदार थे ये, कई क्षेत्रों में फैले हुए थे। अब इनको कंट्रोल में करना था। अब रजिया इनको कंट्रोल में नहीं कर पा रही थी, लेकिन कोशिश कर रही थी कि अन्य सरदारों को मिलाए। इसी में एक नाम आता है, जमालुद्दीन याकूत का नाम आता है। यहाँ लिखा होगा, देखिए ये लिखा है जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत तो अब चाहे जो भी हो, रजिया जब घोड़े पर बैठने जाती थी तो उसको घोड़े पर बैठने में सहायता देता था, ठीक है, धक्का देता था। तो अब जैसे एक ही सासी क्या है, अब उसको कोई रोज धक्का दे घोड़े पर बैठने के लिए, फिर घोड़े पर बैठने के लिए सहायता प्रदान करे, घोड़े पर उठा उठा के बैठाए, तो लोग देखेंगे क्या सोचेंगे, आप भी जानते हो क्या सोचेंगे। तो रजिया के बारे में अफवाहें उड़ना शुरू हो गई, ये जरूर इसका कुछ इससे चल रहा है, चक्कर चल रहा है, कुछ भी चल रहा होगा। इसीलिए जमालुद्दीन याकूत को रजिया का प्रेमी कहते थे, क्योंकि ये हमेशा घोड़े पर, अब उस समय तो गाड़ी तो थी नहीं, गाड़ी बैठने में गेट खोल देता, लेकिन अब घोड़े पर बैठना था तो घोड़े बैठे उठाने उठा के बैठाता था, तो उसको सहायता करता था। इसलिए जमालुद्दीन याकूत को रजिया का प्रेमी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो तुर्कान चिहलगानी है उसकी व्यवस्था, उसको गठित किया था इल्तुतमिश ने, रजिया के पापा ने, अब्बा ने, ठीक है। लेकिन अब उसी तुर्कान चिहलगानी के 40 तुर्क सरदारों ने रजिया का सहयोग भी किया कि तुम दिल्ली की शासिका बन जाओ, लेकिन अब बाद में रजिया उनकी बात मानने से मना कर रही है, तो अब वो लोग क्या करेंगे, उसके विरोध में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, विरोध में आ जाएंगे, विरोध में आ जाते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद अब रजिया को समस्या होने लगी, शासन करने में समस्या होने लगी। और इसी समय की एक घटना है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। रजिया का एक नाम और भी मिलता है, बड़ा अजीब नाम है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, उर्दू नाम है, बड़ा अच्छा लगता है। वो नाम है उमदत ए मिस्वा। इस नाम को याद रखिएगा, रजिया का एक नाम है उमदत ए मिस्वा, रजिया को ही बोलते हैं, ठीक है, इसके नाम से भी जानी जाती है। अब इसी समय क्या हुआ, भटिंडा में, भटिंडा का क्षेत्र था, भटिंडा में एक सरदार था, तुर्कान चिहलगानी का ही सरदार था, 40 तुर्क सरदारों का गठन था ना, उसी में एक सरदार जो भटिंडा में था, उसने विद्रोह कर दिया, वो रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो रजिया उस विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा गई थी। उस जिसने विद्रोह किया था उसका नाम अल्तुनिया था, ठीक है, यहाँ लिखा होगा, ये भटिंडा में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, ये देखो अल्तुनिया था, उसी को विद्रोह को दबाने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको हराने के लिए रजिया भटिंडा गई। लेकिन अब क्या हो, पासा पलट जाता है, कभी कभी स्थिति जो आप सोच के जाओ कहाँ होता है। रजिया सोची मैं हरा दूंगी, लेकिन वहाँ के जाने के बाद रजिया खुद हार गई। अब जब रजिया खुद हार गई तो रजिया खुद भी जान पे आ गई। अब मरे के बच्चे, गर्दन लग गई यहाँ पर चाकू, ऐसे लगाया, बोला कि मुझसे शादी कर लो, गर्दन चाकू हटा लेंगे, नहीं करोगी अंदर घुसा देंगे ऐसे। अब रजिया क्या करे, कोई रहेगा जिंदा तभी, जान है तो जहान है, सिंपल सी बात है। रजिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं आपसे शादी करूंगी, ठीक है, ले चलो आप जहाँ ले चलोगे चलेंगे। तो उसने अल्तोनिया से मान लिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अल्तोनिया खुश था, चलो इसी बहाने दिल्ली गद्दी तो मिली, अब रजिया शादी करेगा, दिल्ली गद्दी ले लेगा अल्तोनिया ना, इसी चक्कर में उसने शादी किया था। शादी किए दोनों, मतलब मान लिए, आते तो दिल्ली में अच्छे से होता, वहाँ मान लिए थे।
और समझौता तो शादी में समझौता तो होता है, आप जानते हो मुस्लिम में शादी समझौता होता है। उसके बाद वहाँ से लेकर रजिया और वो अल्तुनिया चले, खुश खुश होकर एकदम गाना गाना गाते बजाते पालकी में होके सवार चले। तो आते आते रास्ते में एक स्थान है कैथल, कैथल स्थान है, दोनों पति पत्नी कैथल पहुँचे थे, पता चला कि कुछ लोगों ने घेर कर दोनों को वहीं पालकी खत्म कर दिया। मतलब कि 1240 ईस्वी की बात है, कैथल के समीप रजिया की हत्या हो जाती है। इस तरह रजिया मर जाती है। रजिया कोई विशेष काम नहीं करती है, बस इल्तुतमिश की पुत्री थी और पहली मुस्लिम शासिका थी, इसलिए इस पूछा जाता है। चहलगानी सदस्यों के सहयोग से बनी थी, उन्हीं के विद्रोह से मर भी गई। और उसके मरने के बाद इल्तुतमिश का एक बेटा और था, दूसरी बीवी से पैदा हुआ था, मतलब रजिया का चचेरा भाई बोल सकते हैं। अब अगर देखो, जब कोई बड़ा आदमी मरता है तो जो चेक छानबीन करने वाले होते हैं वो छानबीन करते हैं कि इसके मरने से किसको फायदा हो रहा है, उसी को शक के घेरे में लेते हैं और उसी से जांच पड़ताल शुरू करते हैं। तो जानते हो, अगर रजिया मर रही है तो रजिया के मरने के बाद जो भी शासक बनेगा, इसका मतलब क्या है कि उसको रजिया को मरवाने में उसी का हाथ रहा होगा, क्योंकि उसी से उसको फायदा होगा, क्योंकि वो मरेगी तभी वो गद्दी पे बैठेगा। अब जब रजिया मरी तो रजिया के बाद जो शासक बना उसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये इल्तुतमिश का ही ये भी बेटा था, रजिया का चचेरा भाई था, ठीक है। और जो रुकनुद्दीन था ना, रजिया का सगा भाई था, तो ये जब गद्दी पे बैठा तो लोगों को शक हुआ कि हो ना हो इसी ने मरवाया होगा। अब चाहे जो हो, कौन सा उस समय पुलिस न्याय कानून था, उस समय तो राजशाही थी, किसी को मार के कोई भी गद्दी पे बैठ जाए। तो ये गद्दी पे बैठा और इसका जो समय था 1240 से 1242, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए ये गद्दी पे बैठता है। उसके बाद इसको जान लीजिए क्योंकि रजिया का चचेरा भाई था, उसको मरवाने में ये शामिल था। अब जब ये 2 साल के गद्दी पे बैठा तो ये रजिया का चचेरा भाई, जब वो गद्दी से कुछ दिन के बाद जब इसकी मौत हो जाती है, गद्दी खाली होता है, तो उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये राजा बनता है और कितने समय के लिए बनता है, 42 से 46, 4 साल के लिए बनता है। दरअसल ये बनता लंबे समय तक, लेकिन इसको पहले से ही हटा दिया गया रास्ते से। दरअसल बात ये है, जब ये राजा बना तो उस समय ये, दरअसल ये जो था ना, ये बहराम शाह का पौत्र था, जो ऊपर ये बहराम शाह है इसी का ये पौत्र था, पौत्र मतलब पुत्र का पुत्र, तो ये इसका पौत्र था, ये राजा बनता है। लेकिन इसी के समय में, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में, तुर्कान चेहलगानी जो 40 तुर्क सरदारों का समूह था, उसमें बलबन था, सरदार के रूप में था, किसी तो 40 तुर्क सरदारों में बलबन था। बलबन को आगे गद्दी प्राप्त करनी थी, तो इन लोगों किसी न किसी तरीके से वो हटाता, तो इसके लिए उसने क्या किया, इल्तुतमिश, ये जो इस समय सरदार था तुर्कान चेहलगानी का, वो था बलबन था। बलबन ने इल्तुतमिश के पौत्र, पुत्र का पुत्र, क्या नाम था उसका, नासरुद्दीन, नासरुद्दीन और इल्तुतमिश की पत्नी को, मतलब नासरुद्दीन की मम्मी को, सॉरी नासिरुद्दीन के दादी बोल सकते हो ना, को मिलाता है आपस में, और इन सबको मिलाकर इसको खडयंत्र के द्वारा गद्दी से हटा देता है, ठीक। खडयंत्र के द्वारा गद्दी से हटाकर किसको गद्दी बैठा देता है, नासिरुद्दीन को। बलबन इसको अपनी तरफ से मिलाता है, ये इल्तुतमिश का पौत्र है, इसको मिलाकर इसको षडयंत्र के द्वारा गद्दी से हटाता है और इसको गद्दी पर बैठा देता है। अगर बलबन इसको गद्दी पर बैठाएगा तो इसका मतलब ये आदमी बलबन के सारे पे काम करेगा, और अगला शासक कौन बनने जा रहा है, नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये दिख रहा है आपको, ये जो नासिरुद्दीन महमूद शाह है, इसका समय लंबा खिंच गया, 1246 से 1265। इनका देखो, ये 42 से 46, ये 40 से 42, ये 1246 से 1265 तक गया। क्यों गया, क्योंकि ये अपने दम पे शासन नहीं कर रहा था, इसको बैठाया बलबन ने। बलबन एक तुर्कान चेहलगानी का मजबूत सरदार था, उसने कहा कि मैं सहयोग करूंगा तुम्हारा, तुम राजा बन जाओ। ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, कुरान पढ़ता रहता था दिन भर, धार्मिक किताबें में मस्त रहता था, और उसके बाद टोपी सीता था, टोपी सीता था, उसको बेचता था। तो सोचो, राजा है, राजा है फिर भी टोपी सीता था, टोपी सी कर उसको बेचता था और बोलता था कि हराम का नहीं खाना चाहिए, अपनी मेहनत का खाना चाहिए। अब इसलिए ये बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, टोपी सी कर जीवन जीता था। अब बलबन चाहता था कि यह आदमी मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे खिलाफ विद्रोह ना करे, तो बलबन ने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी, किससे, नासिरुद्दीन महमूद शाह से। अब उसकी बेटी खिलाफ रहती थी, वो हमेशा बलबन के यहाँ सानो शौकत में पली बड़ी थी, अब इससे शादी कर दिया, ये धार्मिक प्रवृत्ति का था, दिन भर टोपी सी के जीवन जीता था, उसको भी बोलता था तुम भी टोपी सी करो, हम तुम टोपी बेचेंगे, हम तुम टोपी बेच बेच के जीवन जियेंगे, ठीक है। ये राजकाज का पैसा खाएंगे तो हराम का पैसा है, नुकसान करेगा, और उसको अल्लाह के यहाँ देना भी पड़ेगा। तो ऐसा है कि मैं भी टोपी सीता हूँ, तुम भी टोपी सिया करो, तुम कपड़ा काटा करो, मैं टोपी सिया करूँगा। तो मतलब ये है कि टोपी सीकर जीवन जीता था, तो ये इसकी पुत्री को ये बुरा लगता था, लेकिन अब क्या करे, शादी हुई थी तो साथ में रहते थे। अब बलबन क्या करता था, अब ये जब टोपी सी रहा थे, राजा तो देखेगा नाम मात्र का राजा था, सारा काम तो बलबन देखता था, तो बलबन इसको गद्दी पे बैठा कर सारा काम अपने हाथ में ले लिया और सारे काम को खुद करता था, ठीक। तो
एक प्रकार से देखा जाए 1246 से बलबन का शासन चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल सारा इस पे बलबन का था। अब 1265 में इसको हटाकर बलबन सारा राजकाज अपने हाथ में लेकर खुद को स्वतंत्र राजा घोषित करता है और अपने को शासक घोषित कर लेता है। अब मतलब कि इसके बाद कौन शासक बनने वाला है? बलबन। सोचो, एक गुलाम था बलबन, इल्तुतमिश उसे खरीदा था। गुलाम बलबन आया, अपने दम पर तुर्कान चेहलगानी का एक मजबूत सरदार बना। उसके बाद अपने दम पर ये यहाँ दिल्ली की गद्दी पे बैठने जा रहा है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। देख लो कितना पावरफुल बन गया बलबन। ठीक है, इसे कहते हैं लक के साथ साथ हिम्मत और ताकत और अपनी मेहनत। मेहनत करो, किस्मत साथ में आ जाती है। बलबन दिखा दिया। ऐसे ही इल्तुतमिश भी एक गुलाम था ऐबक का, और देखो दिल्ली की गद्दी पे बैठा, जबकि ऐबक का खुद का बेटा गद्दी पे नहीं बैठ पाया। ठीक है, अब देखो इल्तुतमिश का खुद का बेटा गद्दी पे नहीं बैठ पाया, उसकी बेटी बैठी। जिसके अंदर योग्यता होगी समाज उसी को पूछेगा, अयोग्य नालायकों को कोई नहीं पूछता। इतना समझ में आया? ठीक है, बलबन इस टाइम दिल्ली का सुल्तान था। सारी खुशियां उसके हाथ में थी, बहुत खुश था। जो वो इतने दिन से सोच रहा था आखिर आज उसको मिल गया। बहुत खुश था बलबन। लेकिन अब कुछ मिल जाता है, लोग उसको संजो कर संभाल कर रखने की पूरी ताकत भी लगा देते हैं। बलबन चाह रहा था कि जो भी कुछ मिला है हाथ से खोने ना पाए, इसीलिए वो एकदम से सजग रहता था। अब उसके इस टाइम दो बच्चे थे, एक का नाम शहजादा मोहम्मद था, एक का नाम था बुगरा खां। अब शहजादा मोहम्मद को वो बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। इसी समय क्या हुआ, अब थोड़ा सा बलबन बारे में पहले सुन ले, उसके बाद वापस चलते हैं। बलबन जब शासक बनता है तो सबसे पहला काम करता है, वो खुद तुर्कान चेहलगानी से निकलकर आकर दिल्ली के गद्दी पे बैठा था, और तुर्कान चेहलगानी बनाया था इल्तुतमिश ने। इसमें 40 तुर्क मजबूत सरदार रहते थे, वही सपोर्ट करते थे सब राजा को। अब उसी में से ये निकल के आके राजा बना था। ये जानता था अगर तुर्कान चेहलगानी आगे भी बना रहा तो उन्हीं में से कोई सरदार फिर मेरे खिलाफ विद्रोह करके मुझे हटा देगा। इसलिए इसने तुर्कान चेहलगानी को समाप्त कर दिया कि आज के बाद राजा को कोई तुर्कान चेहलगानी का सदस्य सलाह नहीं देगा। तो किसने बनाया था इल्तुतमिश ने, किसने समाप्त किया? तो तुर्कान चेहलगानी को बलबन ने समाप्त किया। क्यों? क्योंकि वो खुद से उसे निकला था, उसे डर था कोई और भी निकल आएगा तो मुझे भी हरा देगा। ठीक है, इसीलिए उसने समाप्त किया। दूसरी बात, ये जानता था आज नहीं तो कल कोई मुझे मतलब मेरे खिलाफ विद्रोह कर देगा, इसीलिए वो सबको डरा के रखना चाहता था। अब अगर डरा के रखना है तो अपनी बातें मनवाना पड़ेगा, जबरदस्ती लोगों से मनवाना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो, जैसे किसी को आप डरा के रखना चाहते हो तो उसको आप कोई आदेश दोगे, अगर वो मान लिया तो समझ लो आपसे डर रहा है, नहीं माना तो इसका मतलब वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा आज नहीं तो कल। तो आज ही उसको कैद में डाल दो, मार दो, ये नियम था, मतलब ये वो सोचा था। तो इसलिए वो सबको डरा के रखने के लिए एक प्रथा शुरू किया था, सिजदा और पाबोस, कि मेरे सामने आते ही सिजदा सर झुकाइए ऐसे, पाबोस घुटने के बल बैठ जाइए और मेरे पैर को अपना मस्तक टच कराइए, दंडवत प्रणाम करिए। ठीक है, तो ये सिजदा और पाबोस लाया कौन? बलबन। क्यों? क्योंकि वो सब पे अपना कंट्रोल रखना चाहता था। इसके साथ साथ उसने तुर्कान चेहलगानी को 40 तुर्क सरदारों का जो गठन था समाप्त किया। इसके अलावा उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई कि तलवार के बल पे शासन करूंगा, जो लोग सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो यहां से ऐसे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मतलब ऐसा करने के लिए वो विख्यात है। बड़ा कठोर, बड़ा कट्टरता से वो शासन कर रहा था, सिजदा पाबोस और तुर्कान चेहलगानी। और इसके बाद वो खुद को क्या बोलता था? जिल्ले इलाही। खुद को जिल्ले इलाही बोलता था, मतलब जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, वो खुद ईश्वर की छाया है ऐसा वो बोलता था। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। उसके समय में मंगोल आक्रमण होते हैं। जब मंगोल आक्रमण होते हैं तो वो उस आक्रमण को दबाने के लिए अपने बेटे के साथ जाता है, उस बेटे के साथ जाता है जिसको वो बहुत मानता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा। उसका नाम था शहजादा मोहम्मद। वो उसे हर युद्ध की हर कला सिखाना चाहता था। वो जान चाहता था कि अगली बार मेरे बाद यही राजा बने। अब किसी मंगोल आक्रमण में उसको भेजा था और उस मंगोल आक्रमण में वो लौट के आया नहीं। यहाँ दिल्ली में शासन था, मंगोल आक्रमणकारी इधर आए और वो गया कौन? शहजादा मोहम्मद। ये दिख रहा है आपको, शहजादा मोहम्मद। तो ये गया लड़ने, लौट के आया नहीं। बलबन बहुत दुखी हुआ, उसका एक सबसे प्रिय बेटा मर गया। अब बलबन जब दुखी था तो ऐसे में बलबन का राजकाज में अब मन नहीं लग रहा है। एक तो बुढ़ा भी हो चुका था, आपको याद होगा 20 साल पहले शासन कर चुका था नासिरुद्दीन महमूद शाह के बाद, और समय परोक्ष रूप से। उसके बाद अभी देख लो इसका जो समय है 1265 से 1287, 87 तक तो फिर से शासन कर रहा है, मतलब 40 साल से शासन में है, बुढ़ा हो चुका था।
वो चाहता था कि मेरा बेटा संभाले, बेटा मर गया, अब गद्दी कौन देखे। तो अपने दूसरे बेटे को बुलाता है, उसका दूसरा बेटा जो था उसका नाम था ये बुगरा खां। बुगरा खां उस टाइम बंगाल में था, बंगाल में सूबेदार था, उसको बंगाल में नियुक्त किया गया था। जब मोहम्मद मर गया तो अब एक तो घोड़े से संदेश भेजेंगे, फोन तो है नहीं, फोन कर दिए कि आ जाओ यहाँ पर ये हो गया, ऐसा हो गया, गद्दी तुमको संभालनी है, ऐसा तो था नहीं। ये बंगाल में था, इसके पास मैसेज भिजवाया कि बेटा आ जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई मर चुका है, गद्दी तुम्हें संभालनी है। ये बंगाल में मस्त था, वहीं शादी विवाह करके एकदम खुश था। बोला कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे, मैं बंगाल में खुश हूँ पापा, आप वहीं संभालो, मुझे नहीं दिल्ली चाहिए। बोल दिया ऐसे, वो जानता था मंगोल आक्रमणकारी कोई करेगा फिर मुझे मुझे भी उड़ा दिया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। इसलिए वो आया नहीं, वो आया नहीं तो ये और दुखी हुआ, बलबन ये तो मर चुका था, इसका एक बेटा, और ये आने से मना कर दिया, अब क्या करें, क्या करे बलबन। तो उसने क्या किया कि अपने अगले बेटों को, देखो मोहम्मद के मरने के बाद बुगरा खां को बंगाल से बुलाया गया लेकिन वो आने से मना कर दिया। इसके बाद इसने क्या किया, कैकुवाद को, ये जो कैकुवाद है कहाँ गया, ये इसको बनाता है, राजा बैठाता है, गद्दी पे बैठाता है। ये जब राजा बनता है तो विलासी प्रवृत्ति का नालायक किस्म का था, ठीक है। ये इतना रंगीला था, कई शादियां किया था, दिन भर दिन रात, बस जानते हो जब कई शादियां हुई दिन रात क्या होता है, दिन रात उन्हीं के साथ मस्त रहता था। राजकाज में कोई योगदान नहीं, कोई नहीं, एकदम से नालायक हो गया था। इतना नालायक हो गया कि इसे लकवा मार दिया, और इसे जब लकवा मार दिया तो ये बेचारा अपाहिज होके मर गया, ठीक है, अपाहिज होके मर गया। तो इसके बाद ये राजा बनता है, शमसुद्दीन क्यूमर्स नाम था पूरा इसका। इसके बाद कौन बनता है राजा, शमसुद्दीन क्यूमर्स। अब जब शमसुद्दीन क्यूमर्स राजा बनता है तो इसी के समय में एक आदमी इसका सेनापति था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये जलालुद्दीन खिलजी इसका सेनापति था, ठीक है। शमसुद्दीन क्यूमर्स की उम्र कम थी, ज्यादा समझदार नहीं था, जलालुद्दीन खिलजी इसका फायदा उठाना चाहता था। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, एक दिन चुपके से इसको लेकर कहीं घूम रहा था, कहीं गया था सफर में, और चुपके से एक खोपचे में बुलाया और ये तलवार घुसाया, ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी मौत हो जाती है। मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके गुलाम वंश को नेस्तनाबूद कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस तरह गुलाम वंश समाप्त हो गया, ठीक है। किसने समाप्त किया, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। तो इसका मतलब क्या है, 1290 के बाद एक नया वंश आने वाला है, कौन सा, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश अभी तो नहीं कवर करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप अगर जोड़ पाओगे कहानी तो 3 वीडियो में हमने गुलाम वंश कवर कर लिया है, गुलाम वंश 1, गुलाम वंश 2, गुलाम वंश 3। तीनों वीडियो अगर एक साथ आप मतलब एक क्रम में देख लोगे तो आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए गुलाम वंश से गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। बलबन के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, उनके भी नाम आप जान लीजिए। बलबन के दरबार में जो विद्वान रहते थे उनमें से एक नाम था बदरुद्दीन भजानिया, फखरुद्दीन गजनवी और मौलाना तबरीन। ये बलबन के दरबार में रहते थे, बहुत जानकार लोग थे, विद्वान टाइप के लोग थे, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा बलबन ने लाल महल बनवाया था और अपना मकबरा भी बनवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। लाल महल किसने बनवाया था, बलबन ने बनवाया था, ये याद रखिएगा, पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, गौरी से शुरू किया था। अब एक बार एक सिक्वेंस बता देते हैं, गौरी आता है, पृथ्वीराज चौहान को हराता है, दिल्ली का क्षेत्र पर कब्जा करता है, ऐबक को यहाँ नियुक्त करके गौरी चला जाता है। ऐबक के बाद इल्तुतमिश राजा बनता है, इल्तुतमिश के बाद, हालांकि छोटे छोटे राजकाज और भी आते हैं, इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया, रजिया के बाद मुख्यतः जो शासक आता है वो बलबन आता है, और बलबन के बाद ही गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। उसके म्यूसी में नासिरुद्दीन महमूद भी मिलेगा, आपको कई छोटे छोटे राजा और भी मिलेंगे जो कि वीडियो में पीछे मैंने बताया था। मुख्यतः अगर आपको गुलाम वंश में किसी राजा को जानना है तो आपको ऐबक जानना है, इल्तुतमिश जानना है, बलबन जानना है। ये 3 राजाओं को जानते रहेगा, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने वाले हैं। और जो जो मैंने बताया था कुछ और भी चीज़ें बनवाई थी उसको भी आप याद रखिएगा। बलबन की कट्टरता के बारे में एक जानकारी मिलती है कि जिस समय बलबन शासन कर रहा था उस समय बंगाल में तुगरिल खान नाम का आदमी शासन कर रहा था, और वो बलबन के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता था, वो स्वतंत्र शासन करना चाहता था। तो बलबन ने उस कहा कि मतलब बलबन ने उसके विद्रोह को विद्रोह कर दिया है बलबन के खिलाफ। तो बलबन ने उसके विद्रोह को दबाया, और वो कहा जाता है कि वहाँ पर ढेर सारे सरदारों को पकड़ा और कील में ठुकवा दिया, मतलब कील से उनके मत्थे पे, हाथ में, पैर में, हर जगह कील से चिपका दिया, दीवारों पर, लकड़ियों में चिपका दिया, इतना खूंखार तरीके से मारा। इसके अलावा बलबन ने एक त्यौहार शुरू कराया था, पारसी त्यौहार था जो भारत में शुरू करवाया था, उसको बोलते हैं नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव भारत में बलबन ने शुरू करवाया था, यहाँ शायद लिखा भी गया होगा, जिदा बाबू ये लिखा है, नवरोज उत्सव की शुरुआत बलबन ने भारत में शुरू करवाई थी, याद होगा। और इसी नवरोज उत्सव के समय भी इल्तुतमिश नूरजहाँ को देखता है, सॉरी इल्तुतमिश कह रहे हैं, जहांगीर नूरजहाँ को देखता है। आप मुगल वंश में पढ़े होंगे, ठीक है, तो पढ़ेंगे वहाँ पर जब मुगल वंश आएगा।
तो ये थोड़ा सा आप सारे को मिक्स करिएगा, मिक्स करके सारे वीडियो देख लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा।